उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में लगभग आधी सीटों के परिणाम फौजी, रिटायर्ड सैन्य कर्मियों और उनके परिवार वालों के वोट से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सेना से जुड़े लोगों और उनके परिवार वालों की इस चुनाव में कितनी अहमियत है, ये बात आसानी से समझी जा सकती है। रही बात पार्टियों की, तो सभी अपने अपने हिसाब से इन पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ रिटायर्ड सैनिक कर्मियों की अपनी मांगे भी हैं, वो भी चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित होने वाली है। किस पार्टी के पक्ष में पड़ेंगे फौजी वोट? उत्तराखंड चुनाव में फौजी वोटों की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में मौजूदा राज्य में इस समय कुल 93,964 वोटर हैं जो सेना में हैं, जबकि पूर्व सैनिक और उनके परिवार वालों का वोट बैंक 10 से 12 लाख है। सैन्य कर्मियों, रिटायर्ड फौजी और उनके परिवार वालों का वोट करीब 12% है, जो कई विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत तय करने के लिए काफी है। उत्तराखंड विधानसभा में 71 सदस्य होते हैं, जिनमें 70 सीटों पर चुनाव होता है और एक सीट पर एंग्लो इंडियन समुदाय से सदस्य को नामित किया जाता है। इनमें से 34 सीटें यानी कि लगभग आधी ऐसी हैं जहां फौजी और उनके परिवारों की आबादी बहुतायत में है। यानी कहने की जरूरत नहीं है कि फौजियों का जिसे आशीर्वाद मिला उसकी सरकार बनने की संभावना रहेगी। सरकारी तौर पर देखने से लगता है कि राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों की वजह से बीजेपी के पक्ष में एडवांटेज है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चीजों को अपनी तरह से सेट करने की भरपूर कोशिश की है। भाजपा और कांग्रेस ने फौजियों के लिए अलग सेल भी बना रखा है, तो आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा ही बना दिया है। उत्तराखंड में फौजी वोट को कैसे लुभा रही है बीजेपी? बीजेपी के पास उत्तराखंड में सैन्य कर्मियों और उनके परिवार वालों के वोट बैंक को लुभाने के लिए तीन बड़े मुद्दे हैं और उस पर पार्टी फोकस भी कर रही है। पहला है वन रैंक वन पेंशन, इसकी वजह से रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को काफी लाभ मिला। दूसरा, पौड़ी जिले के रहने वाले दिवंगत जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था और उनके सैन्य अधिकारी रहे भाई भी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और तीसरा है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे राष्ट्रवाद से जुड़े पार्टी के बड़े मुद्दे। यही नहीं, नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट को मोदी सरकार में रक्षा राज्य मंत्री भी बनाया गया है। देहरादून में रखी गई है सैन्य धाम की आधारशिला। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फौजियों से कनेक्ट को भी बिन बताए लाभ लेने की कोशिश में रहती है। इसके अलावा भी पहले से ही सैन्य कर्मियों से संबंधित खास चीजों पर ध्यान देती रही है। पिछले साल नवंबर में बीजेपी सरकार ने देहरादून में शहीदों की याद में सैन्य धाम बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए पार्टी ने प्रदेश भर में 1,734 घरों से मिट्टी लाने के लिए शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन भी किया था। इस सैन्य धाम की आधारशिला पिछले साल 15 दिसंबर को खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी थी। उन्होंने ये भी घोषणा की थी इस स्मारक का नाम दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा। कांग्रेस ने भी फौजियों का दिल जीतने की कोशिश की है। कांग्रेस भी उत्तराखंड में फौजी वोट का महत्व समझ चुकी है। रक्षा मंत्री के कार्यक्रम के अगले ही दिन पार्टी ने देहरादून में सैनिक सम्मान रैली निकाली, जिसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे थे। इससे पहले जब जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था, तो कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को धोने के लिए फौरन ही उनके गांव से एक वीर ग्राम परिक्रमा यात्रा भी निकाली थी। हाल ही में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से दिवंगत CDS जनरल रावत, जनरल रिटायर्ड BC जोशी और प्रदेश के बाकी शहीदों की तस्वीरें भी पार्टी के चुनाव कार्यालय में लगाने की अपील की थी और उन्हें उत्तराखंड का गौरव बताया था। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पूर्व सैनिकों के लिए वेलफेयर काउंसिल बनाने का भी वादा किया है। आम आदमी पार्टी ने भी लगाया है फौजियों के वोट के लिए दांव। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड में CM के चेहरे के तौर पर पेश किया है। यहां तक कहा गया कि अब उत्तराखंड की जनता